हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट्सएप वेब को किस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट करके बताया था व्हाट्सएप वेब कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जा रहा है। सो मैंने इस चीज़ को खुद ट्राई करके देखा। मैंने देखा व्हाट्सएप वेब कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जा रहा है। सो गाइस, अगर आप लोगों के साथ भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए आज का ये वीडियो चालू शुरुआत स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों को क्या करना होगा जिससे लॉग आउट ना हो, इसके लिए गाइस आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो गाइस प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर टाइप करना है व्हाट्स वेब, उसके बाद सर्च करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन है व्हाट्स वेब स्कैन, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आप लोगों को एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस अगर इस तरीके का कुछ ऐड आ जाता है तो ऊपर कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक करके ऐड को स्किप कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिर से कुछ ऐड देखने को मिल सकता है, तो आपको ऐड को ऊपर क्लिक करके कट कर देना है। उसके बाद गाइस आपसे जो भी परमिशन मांगता है तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, तो मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाट्स वेब, तो गाइस आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को इस क्यूआर कोड को फोन के स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है जिससे कि स्कैन करते टाइम आसानी हो। उसके बाद गाइस आपको दूसरे फोन से व्हाट्सएप को ओपन करना है, उसके बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपका जो व्हाट्सएप वेब है वो इस ऐप पर लॉग इन हो जाएगा। तो गाइस अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू व्हाट्सएप वेब को यूज़ करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप वेब है वो कभी भी लॉग आउट नहीं होगा। जब तक आप मैनुअली लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक लॉग आउट नहीं होगा। तो गाइस इस तरीके से आपको व्हाट्सएप वेब का यूज़ करना है जिससे कि लॉग आउट ना हो। तो गाइस आज के इस वीडियो बस इतना ही। अगर आप इस तरीके का वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।